तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूर्णिया सिटी का जो है फोर्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, उसको आप किस तरह से देख सकते हैं और कब तक एडमिशन करा सकते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले आपको नोटिस की ओर लेकर चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो नोटिस है, तो यहाँ पर आप नोटिस जो है 27 जनवरी 2022 का, तो आप यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2021-24 सेशन के जो भी छात्र हैं समाज यानी बीए, बीकॉम, बीएससी जितने भी जो भी ऑनर्स पार्ट वन में अप्लाई किए थे उन सभी का जो है फोर्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो है आपका अपलोड रहेगा, इसका कब तक आप एडमिशन करा सकते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डेट जो दिया है 27 जनवरी 2021 से 29 जनवरी तक चतुर्थ सूची के आधार पर आप अपना नामांकन करा सकते हैं। और इसमें जो है सबके लिए फ़ी वही रहेगा और अनुसूचित जनजाति और जो एससी एसटी में आते हैं उनका फ़ीस नहीं लगेगा और जो लड़की है उनका भी फ़ीस नहीं लगेगा। तो आप लोग अपना एडमिशन जिसका भी लिस्ट आया तो आपको उसको किस तरह से लिस्ट चेक करना है, तो सबसे पहले आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पर आना है। तो इस पेज पर आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको डेस्कटॉप साइज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट लाइन पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइज़ में इसको कन्वर्ट कर लें। ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ये ऑप्शन मिलेगा एडमिशन 2021 का, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक स्टूडेंट लॉगिन एक कॉलेज लॉगिन। तो स्टूडेंट लॉगिन पे आपको करना है इस पर क्लिक। तो स्टूडेंट लॉगिन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो ऑनलाइन के समय दिए थे वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड में वही सेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो है जो भी रहेगा उसको यहाँ पर फिल कर देना। फिल करने के बाद लॉगिन का बटन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पे बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप जो ऑनलाइन किए थे यहाँ पर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा डाउनलोड रैंक कार्ड, अगर भी डाउनलोड यूजी के लिए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और वोकेशनल कोर्स के लिए इस पर क्लिक करें। तो इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी जो है ये क्लिक नहीं हो रहा, तो ये अपडेट होगा कुछ देर में। आपका जो है इस तरह से आप लोग अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।